वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की और पहली खबर बांदा से, जहां बांदा के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत तालाब में नहाने गई किशोरी की डूबने से मौत हो गई। बता दें कि बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सोनहुला गांव निवासी 11 साल की किशोरी किरण अपनी चाची के साथ बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बदेहू गाँव चाची के मायके गई थी। वहीं जब अन्य बच्चों के साथ तालाब पर नहाने गई और किशोरी तालाब पर नहाते नहाते गहरे पानी में चली गई, जिससे उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर एनएच विभाग द्वारा बुआ खाल से पौड़ी बस अड्डे होते हुए श्रीनगर रोड पेट्रोल पंप तक गड्ढे भरने के लिए डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल कार्य गतिमान है। स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी ने बुआ खाल से शत्रीधार होते हुए बस अड्डे तक किए जा रहे डामरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर पड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को न्योता देते थे। ऐसे में लोगों की मांग थी कि सड़क को जल्द गड्ढा मुक्त किया जाए। बता दें कि विभागीय अधिकारियों ने सहयोग कर कार्य को शुरू कर दिया है। बताया कि उनके द्वारा कार्य की गुणवत्ता देखी गई, जिसमें गुणवत्ता लगभग ठीक है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिनको उनके द्वारा दूर करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। स्थिति में थी बुआ खाल से और पौड़ी नगर के होते हुए और नीचे प्रेम नगर तक, इसमें बहुत सारे गड्ढे थे। यहाँ तक कि बहुत दुर्घटनाएं होती थी बाइक और स्कूटी वाले लोगों के साथ में। तो इसके संबंध में मैंने अधिकारियों से बात की थी, तो इसमें पैचिंग का कार्य शुरू कर रहे थे। फिर मैंने बात कही कि पैचिंग का कार्य करने से जो है ज़्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि पैचिंग का वर्क जो है जैसे बरसात होगी तो उखड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि एक तरफ से इसको पेंटिंग करना शुरू कर दो। तो विभाग ने और अधिकारियों ने सहयोग किया और ये जो है बुआ खाल घंटा धार से लेके और प्रेमनगर तक। जैसा कि विदित है कि पूरे देश में सबसे बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आ रहे श्रद्धालुओं को व्यवस्थित रूप से दर्शन कराने के लिए स्थिति अनुसार निर्णय लेते हुए बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं। हरिद्वार से चारों धामों के लिए जाने वाला ट्रैफिक हरिद्वार से गुजरने के बाद देहरादून स्थित नेपाली फार्म और अब इस स्थान से होकर गुजरेगा, जहां दोनों जनपद की पुलिस फोर्स और अन्य अधिकारीगण यात्रा के लिए अधिकृत पंजीकृत यात्री वाहन को चेक करने के बाद ही आगे भेजेंगे। वहीं पंजीकरण वाहनों को यहां से वापस भेजा जाएगा। चारधाम यात्रा के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी, जिससे चारधाम यात्रा सरल और सुगम होगी। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण कराए चारधाम यात्रा पर पहुंचने वाले व्यक्तियों की वजह से जांच में अनावश्यक विलंब होता है, जिससे वहां पर जाम की भी स्थिति उत्पन्न होती है। हरदोई के बेनीगंज कोतवाली इलाके में अवैध कोयला भट्टी संचालक ने एक वन दारोगा को जानलेवा हमला कर दिया उस पर और धारदार हथियारों से उसे जमकर पीटा। किसी तरह वन दारोगा ने भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी उम्मीदवार राज रानी रावत के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करने बाराबंकी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे या ये लोग राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। इन्हें योगी जी से ट्यूशन लेना चाहिए कि बुलडोजर कहाँ चलाना है और कहाँ नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ बेनी बाबू जैसे वरिष्ठ नेता का डगर डगर अपमान किया गया, सपा के शहजादे इस पर चुप रहते हैं। ऐसी महान हस्ती को कांग्रेस के नेता ने अपमानित किया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा। हाईवे पर खड़ी बस में तेज रफ्तार ट्रक घुस गया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक के कैबिन काटकर उसे निकाला गया। बस में कोई सवारी नहीं थी। बड़ा हादसा टल गया। एक्सप्रेसवे पर किनारे खड़ी बस बनी हादसे की वजह। यूपीडा की लापरवाही सामने आई। फतेहाबाद क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेस का ये पूरा मामला। हरिद्वार में गंग नहर में नहाने के लिए पहुंच रहे कई युवा जान जोखिम में डालकर नहा रहे हैं। हरिद्वार के प्रेमनगर घाट, गोविंदपुरी घाट और जटवाड़ा पुल जैसे घाटों पर नव युवक और छोटे बच्चे ऊंचे पुलों से छलांग लगाकर गंगा में कूद रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्साही युवक सुरक्षा के लिए लगाए गए ग्रिल को पार कर गहरे पानी में छलांग लगा रहे हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ रहा है। बीते सप्ताह प्रेमनगर घाट पर नहाने गए युवक की गहरे पानी में डूबकर मौत हो गई थी। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गंगा घाटों पर पुलिस की ओर से कोई खास इंतजाम नहीं है। ना तो गंगा घाटों पर पुलिस के जवान तैनात नजर आते हैं और ना ही चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। हरदोई में दबंगों ने एक नाबालिग को तालिबानी सजा दी। लोहे के पाइपों से बांध कर पीटा है। वीडियो वायरल हो रहा है। दबंगों की करतूत देखकर आप भी कांप जाएंगे। दबंगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। चोरी के आरोप में नाबालिग को तालिबानी सजा दी गई। कानून को हाथ में लेकर नाबालिग को रस्सी से बांध कर जमकर पीटा। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के महेंद्र नगर कॉलोनी के पास स्थित कपूर ट्रेवलर्स का ये पूरा मामला। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ व्यक्ति हैं एक नाबालिग बच्चे को एक खंभे में बांधकर पीट रहे हैं। ये वीडियो जब जानकारी की गई तो ये महेंद्रा नगर थाना कोतवाली देहात में पड़ता है, वहां का है। इसमें पीड़ित से तहरीर ली जा रही है। तहरीर लेकर इसमें संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
हिस्ट्री शीटर द्वारा कपड़ा व्यापारी को गोली मारने का लाइव वीडियो सामने आया। शाहरुख दुकान पर बैठे कपड़ा व्यापारी को गोली मारी। शाहरुख अपने एक साथी के साथ एक्टिवा से पहुंचा था दुकान पर। पुलिस ने इलाज के लिए कपड़ा व्यापारी को SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर शाहरुख ने गोली मारी थी, कपड़ा व्यापारी के पैर में गोली लगी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। झांसी में सियासी पारे के साथ साथ गर्मी का पारा तो तेज है ही, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों का पारा भी बेहद तेज नजर आता है। झांसी के मेडिकल कॉलेज की कोविड बिल्डिंग में स्थित प्लास्टर और सर्जिकल वार्ड में जूनियर और सीनियर डॉक्टर आपस में भिड़ गए। दोनों डॉक्टर्स के बीच जमकर कहासुनी हुई और धक्का मुक्की के साथ साथ हाथापाई भी देखने को मिली। झांसी के मेडिकल कॉलेज के कोविड बिल्डिंग में स्थित प्लास्टर और सर्जिकल वार्ड में डॉक्टर की लाइव लड़ाई का वीडियो मरीज के तीमारदार ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। झांसी में बीते दिन एरएच थाना क्षेत्र के पुलिया के पास दिन दिहाड़े गल्ला व्यापारी के मुनीम से लूटकांड की घटना का स्वात टीम और एरएच थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने लूटकांड की घटना में शामिल 3 लुटेरों को दर्द पहुंचान के कब्जे से 25 लाख की नकदी बरामद कर ली। पकड़े गए लुटेरों में से 2 के पैर में गोली लगने से घायल हो गए, एक अन्य ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि लूटकांड की घटना का सूत्रधार गल्ला व्यापारी के यहाँ कार्य करने वाला आरोपी ही था। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के आगमन के एक दिन पहले एरएच थाना क्षेत्र के झबरा पुलिया के पास गल्ला व्यापारी जमील खान के मुनीम को बाइक सवार 2 बदमाशों ने 28 लाख रुपए से लूट लिए थे। महोबा में मंदिर धोने की सियासत देखने को मिली है। सियासत में भाजपा प्रत्याशी के सामने बसपा प्रत्याशी खुलकर आ गए हैं। बीते दिनों भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के परिवार के मौत पर के बाद परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना करने पर ब्राह्मण समाज के युवाओं में नाराजगी देखने को मिली, जिसके बाद मंदिर की शुद्धता को लेकर ब्राह्मण समाज के युवाओं के साथ BSP प्रत्याशी निर्दोष दीक्षित ने भगवान परशुराम के मंदिर को गंगाजल से धोया, भगवान परशुराम की प्रतिमा का गंगाजल से अभिषेक किया। BSP प्रत्याशी द्वारा मंदिर धोने के इस मामले के बाद से हमीरपुर लोकसभा सीट पर राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दुकान के आगे सो रहे चौकीदार को रौंद दिया। हादसे में चौकीदार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। चौकीदार की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला सहसावान कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली मेरठ हाईवे स्थित मंडी समिति के पास का है। कानपुर में बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के बगाही चौकी में एक 22 साल की लड़की द्वारा जहर खाने का मामला सामने आया, जहां प्रकरण की जांच पर पता चला कि युवती किराए के मकान में पिछले कई सालों से परिवार के साथ रह रही थी। वही प्रकरण में मकान खाली करने और किरायेदारी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। युवती द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जी, पीड़िता के द्वारा कल एक प्रार्थना पत्र CP सर के यहाँ दिया गया है, जो कि आज थाने पर जांच हेतु प्राप्त हुआ था। उसी जांच के लिए सब इंस्पेक्टर मौके पर गए थे और पीड़िता से वार्ता की गई थी, जिसके पश्चात प्रथम दृष्टया महिला संबंधी अपराध होने के नाते FIR पंजीकृत कर ली गई है। इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, अभी तक उसमें कोई भी साक्ष्य आरोपों की पुष्टि नहीं कर रहा है, फिर भी और गहनता से विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर लीगल कार्रवाई की जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य ने कांग्रेस की सदस्यता ली। विधायक मनोज पांडे में BJP में जाने के बाद उत्कर्ष मौर्य ने कांग्रेस की कमान संभाली। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी में उत्कृष्ट मौर्य का स्वागत किया। मनोज पांडे के विरोध में उचाहार से चुनाव लड़ रहे हैं उत्कर्ष मौर्य। मनोज पांडे को घेरने की कांग्रेस ने शुरू की रणनीति। गर्मी को देखते हुए बिजली की कटौती नहीं की जाए, वरिष्ठ समाज सेवी वसीम खान प्रधान ने जिलाधिकारी विद्युत विभाग से मांग की है। आपको बता दें कि विद्युत विभाग की तरफ से सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत कटौती होनी थी। विद्युत विभाग की तरफ से विद्युत लाइन बदलने की वजह से बिजली कटौती होनी थी। वरिष्ठ समाज सेवी वसीम खान प्रधान ने गर्मी के मौसम को देखते हुए कुछ दिन बाद बिजली कटौती की मांग की। मांग न मानने पर बिजली घर पर इकट्ठा होकर लोगों की भीड़। गंजरवारा क्षेत्र के सुजावलपुर बिजली घर का ये पूरा मामला। सभी को पता है कि कल एक ऐलान हुआ था, कल 9 बजे से और 4 बजे तक के लिए सप्लाई बंद कर दी जाएगी बिजली विभाग से, कि कुछ केबल पड़नी है। तो केबलें इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन केबलें पड़ना चाहिए। हम केबल डालने वालों से बिजली विभाग का हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से जो स्थिति है इस वक्त टेम्परेचर की, कल 43 डिग्री था, आज और भी गर्म रहेगा। तो मैं बिजली विभाग JEHDO साहब और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस काम के लिए ठेकेदार को बता दिया जाए कि 2-4-6 दिन के बाद कराएं, जिससे कि मौसम कुछ थोड़ा सा नर्म हो जाए, क्योंकि आम आदमी का ध्यान रखा जाए। खास आदमी तो अपने घर में इन्वर्टर या जनरेटर चला के लेट भी जाएगा। लेकिन अलीगढ़ के हीरालाल बारा सैनी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ मारपीट का सिस्टम फुटेज आया सामने। हीरालाल बारा सैनी
इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ शहर के उद्योगपति ने मारपीट की है। प्रिंसिपल के कैबिन में घुसकर मारपीट की गई। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हीरालाल बारा सैनी इंटर कॉलेज प्रांगण में बच्चों के खेलने को लेकर विवाद हुआ था। शहर के प्रमुख उद्योगपति ने हीरालाल बारा सैनी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के कैबिन में घुसकर उनकी जमकर पिटाई कर दी। मारपीट की घटना के बाद हीरालाल बारा सैनी इंटर कॉलेज के स्टाफ में भारी आक्रोश है। मारपीट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ थाना गांधी पार्क में तहरीर देने पहुंचा स्कूल स्टाफ। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क के इलाके के हीरालाल बारा सैनी इंटर कॉलेज की पूरी घटना। फतेहपुर में कब्जा करने के उद्देश्य से किसान के खेत पर प्रॉपर्टी डीलर ने ईंट गिरवा दी। विरोध करने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने मामले की शिकायत एसपी से की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के बरहरा बंधका निवासी सीताराम ने बताया कि 2022 में पत्नी श्याम दुलारी और बेटी अर्चना के नाम ग्राम कोरे स्थित गाटा संख्या 1046 रकबा 0.45775 का उमेश कुमार निवासी ग्राम कोरई थाना मल्लावा से बेनामा कराया था, जिसका दाखिल खारिज भी हो चुका है। खेत में बाउंड्री वॉल बनाकर धर्मकांटा ट्यूबवेल का कनेक्शन मिल गया। एक कमरा बनाकर सिंचाई का काम हो रहा था। खेत में मूंग की फसल खड़ी है। बीती 5 मई को प्रॉपर्टी डीलर हरिश्चंद मिश्रा अपने साथियों के साथ खेत के बगल में पक्की ईंट गिरवा दिया। आरोपी ने जमीन पर बना कमरा धर्मकांटा फाउंडेशन जेसीबी से गिरा दिया, जबकि उनके नाम से जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। पुलिस ने कोई कार्रवाई न करने पर इस मामले को लेकर जिले के सांसद और खाका विधायक से मिले हैं। सड़क किनारे खड़े डंपर में पीछे से रोडवेज ने टक्कर मार दी। रोडवेज बस में सवार एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल। 8 यात्रियों की हालत गंभीर, अस्पताल में किया भर्ती। बस चालक को नींद की झपके आने से हादसा हो गया। जोरदार टक्कर के बाद रोडवेज बस के परखच्चे उड़ गए। डिडौली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर यह हादसा हुआ। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण बंद होने से पंजीकरण कार्यालय पहुंचे श्रद्धालु भड़क गए। श्रद्धालु यात्रा प्रशासन संगठन कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप लगाया कि पहले सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं को यात्रा का बुलावा दिया, अब ऑफलाइन पंजीकरण बंद करके उनको ऋषिकेश में ही रोका जा रहा है। पहले 2 दिन और 5 दिन के लिए ऑफलाइन पंजीकरण सुविधा बंद होने से श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। उनकी तमाम सुविधाओं का ख्याल सरकार नहीं रख रही है। जैसे जैसे समय ऋषिकेश में बीत रहा है, वैसे वैसे उनका धन और समय दोनों बर्बाद हो रहा है। वहीं चारधाम यात्रा संचालित करने वाली संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के बस ऑपरेटर भी ऑफलाइन पंजीकरण बंद होने की वजह से नाराज हैं। उन्होंने भी यात्रा प्रशासन के कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। किसी तरह अपर आयुक्त गढ़वाल नरेंद्र सिंह ने बस ऑपरेटर को शांत कराया। सूचना मिलते ही डीएम सोनिका भी मौके पर पहुंची। पंच केदारों में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली शुक्रवार देर शाम को जिला मुख्यालय के गोपीनाथ मंदिर से विधि विधान और हर्षोल्लास के जयकारों के साथ रुद्रनाथ मंदिर पहुंची। चारधाम यात्रा एक तो वैसे ही प्रशासनिक चुनौती बनी हुई है, वहीं आने वाली 20 तारीख के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन को और भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की लगातार हुई बढ़ोतरी और आने वाली 20 तारीख के बाद बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां पड़ जाएंगी, जिसके बाद प्रतिवर्ष की भांति उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के साथ दूसरे राज्यों के पर्यटक उत्तराखंड का रुख करेंगे। आरटीओ एल्विन रॉकिस का कहना है कि बड़ी संख्या में और रोजाना रजिस्ट्रेशन और ग्रीन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। श्रद्धालु उनके ट्रांसपोर्ट को देखते हुए गाड़ियों की तकनीकी जांच दूसरी जगह कराई जा रही है। पूरी तरह से संतुष्टि होने के बाद उन्हें ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं एमपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि आने वाले 20 तारीख के बाद जिले की सभी सीमाओं पर पुलिस बल, निगरानी, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही सतोपथ ट्रैकिंग भी शुरू हो चुका है। साल का पहली तस्वीर भी सामने आई है, जहां सतोपथ झील पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। बद्रीनाथ धाम से लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर 22 किलोमीटर की दूरी पर सतोपथ सरोवर है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इस पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। बद्री केदारनाथ यात्रा को कोटद्वार से भी शुरू किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। कोटद्वार में भी चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलने को लेकर युवाओं ने प्रदेश सरकार की मांग पत्र भेजा। कोटद्वार के व्यापारियों का कहना है कि कोटद्वार गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, साथ ही बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा कोटद्वार से भी की जाती रही है, लेकिन सरकारों की अनदेखी की वजह से कोटद्वार का रूट यात्रा रूट में शामिल नहीं किया गया। ऐसे में युवाओं ने मांग की है कि कोटद्वार के रूट को यात्रा रूट में शामिल किया जाए। हरिद्वार ऋषिकेश से दबाव भी कम होगा, कोटद्वार में रोजगार भी बढ़ेगा। महोबा में दुकान में ग्राहक बनकर ज्वेलरी लेने के बहाने गई थी महिलाएं। दुकानदार को महिलाओं ने बातों में उलझाकर गले के सोने के पेंडेंट चोरी करने का प्रयास किया। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना रिकॉर्ड हो गई। दुकानदार ने अनन्फाने में पुलिस को सूचना दी। कोतवाली पहुंची पुलिस ने 5 महिलाओं को शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया। शहर की सरफा बाजार में पहले भी कई बार ऐसी चोरी हो चुकी है। महोबा सरफा बाजार की घटना को लेकर व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया के साथ।